अब इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम स्टैक पे परफॉर्म कर सकते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा में, क्योंकि स्टैक है तो हमें पता है कि स्टैक पे हम पुश पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ऑपरेशन है स्किप जो हम परफॉर्म करेंगे। हमने एक थ्री कॉलम्स बनाए, एक ऑपरेशन का, ट्रांजिशन डायग्राम का और स्टैक का। तो फर्स्ट ऑपरेशन हम देख रहे हैं पुश। पुश का मतलब क्या होता है? इंसर्ट। हमें किसी सिंबल को स्टैक में इंसर्ट करना है तो हम कैसे लिखेंगे? इनिशियली हमारे स्टैक में क्या स्टोर्ड है? Z0 सिंबल। ये रिप्रेजेंट करता है बॉटम ऑफ स्टैक। तो टॉप कहाँ पर होगा? Z0 पे। इनपुट सिंबल A है, ठीक है, इनपुट सिंबल इज A एंड टॉप ऑफ स्टैक इज Z0। तो हम क्या चाहते हैं कि A जो है वो स्टैक में पुश हो जाए, ठीक है। तो इसको हम ट्रांजिशन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक स्टेट है Q1। Q1 में हमने देखा कि जब हम Q1 स्टेट पे हैं पुश डाउन ऑटोमेटा में और A इनपुट सिंबल आया, ये A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनपुट सिंबल को। और स्टैक में क्या था? Z0 था, ठीक है। स्टैक का टॉप सिंबल क्या था? Z0। देखो A इनपुट सिंबल है और स्टैक के टॉप में क्या है? Z0। तो मैं क्या चाहती हूँ, ये जो A है वो स्टैक में पुश हो जाए, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? स्लैश ऑब्लिक में AZ0। ठीक है, AZ0 का मतलब क्या है कि AZ0 क्या है? स्टैक के कंटेंट्स हैं। पहले स्टैक में क्या था? सिर्फ Z0 था। तो जब हमने देखा A इनपुट आया है तो हमने उसे क्या कर दिया? स्टैक में पुश कर दिया। तो ये रिप्रेजेंटेशन है जो हम ट्रांजिशन डायग्राम में यूज करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा के। कैसे हम ट्रांजिशन लिखेंगे? पहले इनपुट सिंबल, फिर कॉमा, फिर स्टैक का टॉप सिंबल, फिर ऑब्लिक। स्टैक के जो कंटेंट्स होंगे इस ऑब्लिक के बाद आएंगे। हमें ट्रांजिशन फंक्शन लिखना होगा, तो ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखेंगे? डेल ब्रैकेट में Q1 इनपुट सिंबल इज A, स्टैक टॉप सिंबल इज Z0। तो हमने क्या लिखा? हम किस स्टेट पे रीच हो गए? Q2 स्टेट पे। अब स्टैक के कंटेंट्स क्या हो गए? AZ0। तो आप चाहे ट्रांजिशन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे ट्रांजिशन फंक्शन यूज करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो इस ट्रांजिशन को। देखो मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन फंक्शन में ये थ्री वैल्यूज होती है, पहले स्टेट होती है, फिर इनपुट सिंबल, फिर स्टैक का टॉप सिंबल, ठीक है। और उसका ट्रांजिशन होके हमें क्या मिल जाती है? एक स्टेट मिल जाती है और स्ट्रिंग ऑफ स्टैक सिंबल्स मिल जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्यू, सिग्मा, गामा, क्यू और स्ट्रिंग ऑफ गामा का स्टार। गामा का स्टार मतलब कंटेंट्स ऑफ स्टैक। कंटेंट्स ऑफ स्टैक क्या हो गए हैं? AZ0। अब किसी किसी बुक में आपको ऐसा भी दिखेगा ट्रांजिशन डायग्राम, Q1 A, Z0 एरो लगा होगा A। तो इसका मतलब भी यही है कि हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इनपुट सिंबल जब Q1 पे, जब Q1 स्टेट पे A इनपुट सिंबल आया और स्टैक के टॉप में Z0 था, तो आपको उस A को कहाँ पुश कर देना है? एरो के बाद जो सिंबल लिखा है वो क्या है? पुश सिंबल है। तो आपको A को पुश कर देना है स्टैक में। दोनों का ही मतलब सेम है, चाहे हम ऐसा रिप्रेजेंट करें चाहे हम ऐसा रिप्रेजेंट करें, दोनों का मीनिंग क्या है कि हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मैं इस टाइप से ट्रांजिशन डायग्राम को शो करूंगी सारे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्या होगा स्टैक पे? पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन में देखो कैसे लिखना पड़ेगा, पहले इनपुट सिंबल, फिर एलिमेंट टू बी डिलीटेड। एलिमेंट को हमें डिलीट करना है, वो एलिमेंट आएगा स्लैश एप्सिलॉन। हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हम क्या लिखेंगे? इनपुट सिंबल, फिर जिस एलिमेंट को हमें डिलीट करना है उसको लिखेंगे और स्लैश में क्या आते हैं? स्टैक के कंटेंट्स। तो स्टैक के कंटेंट्स में हमने क्या लिखा? एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन का मतलब है कि पॉप करना है आपको, बी को क्या करना है? पॉप करना है। तो पॉप का कन्फर्मेशन बताता है ये एप्सिलॉन। तो इसका मतलब है देखो कि सपोज स्टैक में Z0 था, उसके ऊपर A था, फिर B था, तो टॉप ऑफ स्टैक क्या है? B। टॉप ऑफ स्टैक क्या है? बी। तो अगर हम क्या कह रहे हैं कि इनपुट सिंबल ए आया और टॉप ऑफ स्टैक पे क्या है? बी। तो आप बी को क्या कर दो? पॉप कर दो। तो बी पॉप हो जाएगा तो स्टैक में क्या बचेगा? ए और Z0। तो इसको हमने ट्रांजिशन डायग्राम में कैसे शो किया? ए इनपुट सिंबल आया, बी जो है टॉप ऑफ स्टैक है, तो उसको पॉप कर दो एप्सिलॉन से। तो B को क्या कर दो? स्टैक से पॉप कर दो, इसीलिए हमने क्या लिखा है? एप्सिलॉन। यहाँ आपको ये रिप्रेजेंटेशन दिखेगी कहीं पर कि इनपुट सिंबल A है और स्टैक में जो टॉप ऑफ सिंबल है वो B है, तो उसको आप पॉप कर दो, तो A, B कर दो एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कर दो मतलब वो पॉप हो। पोजीशन फंक्शन देखे तो कैसे लिखना पड़ेगा? Q1 स्टेट पर
जब ए इनपुट सिंबल आया और टॉप ऑफ स्टैक पे बी था, तो हमने क्या किया, हम क्यू टू स्टेट पे मूव हो गए और बी को कर दिया हमने पॉप। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन, ये वाला एप्सिलॉन यहाँ पर आ जाएगा और हम किस स्टेट पे आ चुके हैं, क्यू टू स्टेट पर। तो इस टाइप से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉप हो गया, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन जो स्टैक पे परफॉर्म हो सकता है वो है स्किप, मतलब स्टैक के कंटेंट्स में कोई चेंज नहीं करना है, ना ही स्टैक में कोई एलिमेंट पुश करना है ना ही पॉप करना है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इनपुट सिंबल ए आया है और स्टैक के टॉप पर क्या है, जेड जीरो है, तो स्टैक में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो, जेड जीरो का जेड जीरो ही रहे, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब है हमने इस ऑपरेशन को क्या कर दिया, इस ट्रांजिशन को स्किप कर दिया, स्टैक में कोई चेंज नहीं करना है अगर इस टाइप का ट्रांजिशन हो। तो इनपुट सिंबल इज ए, टॉप ऑफ स्टैक इज जेड जीरो एंड स्टैक के टॉप सिंबल पे क्या रहे, सेम सिंबल यानी कि जेड जीरो। तो इसका मतलब है नो चेंज इन स्टैक। कहीं पर आपको ऐसा दिखेगा क्यू वन ए कॉमा जेड जीरो, एरो के पास जेड जीरो लिखा होगा, इसका मतलब यही है कि हमें स्किप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ट्रांजिशन फंक्शन में हम कैसे लिखेंगे, क्यू वन पे हमने ए इनपुट दिया और टॉप ऑफ स्टैक क्या था, जेड जीरो, हम कहाँ पर रीच हो गए, क्यू टू स्टेट पे, और टॉप ऑफ स्टैक क्या रहा, जेड जीरो ही रहा। ठीक है, ये तो क्या हमने बताया, ये वाला ऑपरेशन हमने जेड जीरो के रिस्पेक्ट में बताया। जरूरी नहीं है कि टॉप ऑफ स्टैक पे जेड जीरो ही हो, यहाँ पर कोई भी सिंबल हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है। तो उस केस में हम चाहते हैं कि अगर कोई भी इनपुट सिंबल आए और उस स्टैक के कंटेंट्स में कोई चेंज नहीं आए, तो हमें स्किप ऑपरेशन तो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इनपुट सिंबल ए आया, ठीक है, और टॉप ऑफ स्टैक पे क्या था, बी, और हम चाहते हैं कि स्टैक के कंटेंट में बी रहे यानी कि नो चेंज हो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ट्रांजिशन हो गया क्यू वन से क्यू टू स्टेट पे और स्टैक सिंबल में क्या रहा, बी रहेगा। तो इसको ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखेंगे, क्यू वन स्टेट पे हैं हम, ए इनपुट सिंबल है, टॉप ऑफ स्टैक पे बी है, हम क्यू टू स्टेट पे रीच हो गए और टॉप ऑफ स्टैक को हमने बी ही रहने दिया। ज़रूरी नहीं है कि ए इनपुट सिंबल आया और टॉप ऑफ स्टैक पे बी हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ए ए का, ए बी का, बी ए का, बी बी का, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, उस केस में अगर हम चाहते हैं स्टैक के कंटेंट सेम रहें, तो हमें इस टाइप से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या था, टॉप ऑफ स्टैक पे जेड जीरो था, यहाँ टॉप ऑफ स्टैक पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, इनपुट सिंबल ए हो सकता है, बी हो सकता है, बस हम क्या चाहते हैं कि जो भी टॉप ऑफ स्टैक पे सिंबल रखा हुआ है उसको एज इट इज़ रहने देना है। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्किप ऑपरेशन को।